भाइयों और बहनों, सरदार साहब कहते थे भारत में स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ एम्स और यूनिटी ऑफ एंडेवर। हमारे उद्देश्यों में समानता हो, हमारे लक्ष्यों में समानता हो और हमारे प्रयासों में समानता हो। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में हमने नए भारत के समान उद्देश्य के साथ भारत की सामूहिकता को, हमारी असली ताकत को और मजबूत करने का प्रयास किया है। सामान्य मानवीय के जीवन से सरकार को कम करने के भारत के भविष्य का भागीदार बनाया है। आज वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है ही है, अपने कर्तव्य को लेकर के भी आज हिंदुस्तान का नागरिक अधिक सक्रिय और सचेत है। स्वच्छता का वो आज राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने हिंदुस्तान का हर नागरिक आगे आया है, वो अपना काम मानने लगा है। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूं, फिटनेस को भी वो देश के लिए अपने योगदान के रूप में देख रहा है। पानी की बचत को वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानने लगा है। नियम कायदों के पालन को कभी वो मजबूरी समझता था, आज वो उसे अपना दायित्व समझकर निभा रहा है। अब वो घर से निकलता है तो अपने साथ कपड़े का एक थैला भी रख लेता है ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े। साथियों, मैं संपूर्ण देश का आह्वान करता हूं कि आइए हम उस पुरातन उद्घोष को याद करते हुए आगे बढ़े जिसने हमें हमेशा प्रेरित किया है। कई बार हमने सुना है, कई बार समझने का प्रयास किया है, लेकिन देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब हर हिंदुस्तानी को उस मंत्र को जी करके देश को आगे बढ़ाना है। और वो मंत्र है संगच्छध्वम, संगच्छध्वम संवद्धध्वम, संवो मनात्सि जानताम। यानी हम सभी साथ मिलकर चले, एक स्वर में बात करें, एक मन के साथ आगे बढ़ें।